बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातिमा ज़हरा दिल बनात से मदद हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं ताकि और लोगों की मदद की जा सके। आज का अमल बिस्मिल्ला का अमल है, अमल अमलियात मुक्किल। शुरू करने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई बीमार हो और आप बीमार के पास जाएं तो जाकर उनसे दुआ करवाएं, क्योंकि बीमार की जो दुआ होती है वो फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। तो प्यारी बहन भाइयों, आप जब भी बीमार लोगों के पास जाएँ तो अपने लिए ज़रूर दुआ करवाएँ। आज का अमल अमल मोकिल के ऊपर है, मोकिल को हाजिर करना। बिस्मिल्लाह के मोकिल, मोकिलात का तल्लक फरिश्तों की तरह है। अगर हम इस चीज़ को महसूस करें या हमारी रूहानी इतनी तेज़ हो तो हम मोकिलात को देख सकते हैं, फरिश्तों को देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने परिंदों को और जानवरों को कई मखसूस ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी ताकत है, इनकी रूहानियत इतनी तेज़ है कि वो फरिश्तों को देख सकते हैं। अमल ख़ास है, कदर जानिएगा। गलत इस्तेमाल के लिए इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, ना ही अमल करें। नौ चंदी जुमेरात यानी नए चांद, इस्लामिक दिनों के हिसाब से नए चांद की पहली जुमेरात को ये अमल करें। अमल शुरू करने से पहले सफ़ेद कपड़े पहने या कोई भी पाक साफ कपड़े पहने और परहेज़ जमाली करें, तर्क के हिवानात करें, यानी जो चीज़ें जानवरों से ली गई हैं या बनी हैं उनका इस्तेमाल बंद करें। अमल मुकम्मल तन्हाई में करें और जब आप अमल करें तो अपना मुँह खाना काबा की तरफ करें और पास अगरबत्ती जला लें। अगरबत्ती अगर नहीं जला सकते तो फिर आप कोई सा भी अतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अतर कोई भी हो लेकिन खुशबू उसकी अच्छी हो। पहले अशरे यानी पहले हफ्ते में जुमेरात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें 5000 मरतबा। पहले हफ्ते में 7 दिनों में 5000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। दूसरे हफ्ते फिर आपने 4000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर तीसरे हफ्ते आपने 3000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जब चौथा हफ्ता आए तो फिर आपने 500 मरतबा। जब आप बिस्मिल्लाह 500 मरतबा पढ़ लें, ये हर रोज़ आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शुरू करने से पहले 11 मरतबा पढ़ें और इख्तमाम जब कर लें बिस्मिल्लाह का, फिर आप आखिर में भी 11 मरतबा जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाल्लाह दुराने चिल्ला आपको मोकिलात की हाज़िरी शुरू होगी। बाबा बुज़ुर्ग की शक्ल में होंगे और बाबरकत होंगे और आखिरी दिन भी आपको हो सकती है, नहीं तो अमल के दरमियान भी हो सकती है। अमल के दरमियान आप उनसे बात नहीं करें, बिल्कुल तन्हाई में आपने अमल करना है, शोर ना हो जहाँ पर ये अमल करें। तो अमल के दौरान उनसे बात ना करें। जब आपका पूरा अमल हो जाए 4 अशरों का यानी 4 हफ्तों का, फिर बात करें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते ही, मतलब कि आप 11 मरतबा भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, मोकिल की हाज़िरी होना शुरू हो जाएगी। आप जो भी हुक्म देंगे उसकी तकमील होगी, लेकिन नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बिस्मिल्लाह के मोकिल हैं और बहुत बाबरकत हैं। आप इनसे अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो एक हद रख कर पूछें, कोई फालतू बात इनसे ना करें, नहीं तो फिर ये नाराज़ हो जाएंगे। आप दुआ कर सकते हैं बिस्मिल्लाह 11 मरतबा पढ़कर, जो भी दुआ करेंगे आपकी हर दुआ हो जाएगी। चाहे वो आपकी दुआ कारोबार के लिए है, चाहे वो आपकी दुआ किसी और मसले के लिए है, अगर आपने ये चिल्ला कर लिया आपकी तमाम दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरा होना शुरू हो जाएंगी। आप के पास कोई भी अल्लाह के बंदों में से कोई आए और आपसे दुआ करवाए, आप उसके लिए भी दुआ कर दें, उसकी भी मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन आप अपनी बहन से इजाज़त ज़रूर लें ताकि आपका हिसार भी किया जाए और आपकी मदद भी की जाए। हर अमल को करने से पहले इजाज़त ज़रूरी है। ये छोटा सा एक फातिमा ज़हरा का पैगाम है, प्लीज़ इस चीज़ को कभी मत भूलें। जज़ाकअल्लाह खैरा।